बता। बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बताओ। उस तो बॉक्स ऑफिस पे इस वक्त चार बड़ी फिल्में चल रही है, फिल्म स्पाइडरमैन, फिल्म पुष्पा, फिल्म वेले और दोस्तों फिल्म तड़प। और दोस्तों हम आपको बताएंगे इन चारों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन मूवी और दोस्तों पुष्पा मूवी का पब्लिक रिव्यू नहीं देखा तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें फिल्म पुष्पा की, तो दोस्तों ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन का यूनिक लुक देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों सुकुमार के डायरेक्शन को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद करा, इसी के चलते ऑडियंस ने इस फिल्म को 4 out of 8 स्टार की रेटिंग दी है और दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 out of 5 स्टार की रेटिंग दी है। जबकि दोस्तों इस फिल्म को हमारे भारत भर में मल्टी लैंग्वेजेस में 5000 स्क्रीनों पर लॉन्च करा गया और दोस्तों पुष्पा फिल्म को ओवरसीज यानी कि विदेशी मार्केट में 1000 स्क्रीनें मिली है। इसके चलते दोस्तों ये फिल्म को काफी अच्छा बज देखने के लिए मिला और दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रही। दोस्तों अगर बात करें कि यह फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए कमा सकती है तो दोस्तों जिस तरीके से फिल्म का बज है, जो दोस्तों क्रेज बना हुआ, उससे कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म अपने पहले दिन 50 से 55 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। पर दोस्तों बात करें फिल्म तड़प की, तो दोस्तों तड़प फिल्म को हम सबके बीच में बॉक्स ऑफिस पर लगे हुए को हो चुका है अपना दूसरा हफ्ता और दोस्तों यह फिल्म अपने 13वें दिन लगभग 60 लाख रुपए कमा रही है, जिसके चलते दोस्तों इस फिल्म का 13 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका है 26 करोड़ 75 लाख रुपए और दोस्तों फिल्म का बजट केवल 20 करोड़ रुपए था। इससे कहना गलत नहीं होगा कि तड़प फिल्म हम सबके बीच में सुपर हिट तो नहीं, बाकी दोस्तों मिनी हिट तो हो ही चुकी है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें सबकी चहेती फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की, दोस्तों यह फिल्म सभी को काफी ज्यादा पसंद आई और दोस्तों जॉन वाट्स के डायरेक्शन ने वाकई में इस फिल्म के जान डाल दी, क्योंकि दोस्तों स्पाइडरमैन के तीनों रोल ऑडियंस को काफी ज्यादा भाते हैं और दोस्तों ऑडियंस ने इस फिल्म के स्पाइडरमैन से ज्यादा विलन्स की तारीफ करी, क्योंकि दोस्तों सभी का काम काफी शानदार था और इसी के चलते इस फिल्म ने हमारे भारत भर से अपने पहले दिन 33 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था। पर दोस्तों आज इस फिल्म का दूसरा दिन लग चुका है और दोस्तों इस फिल्म की टक्कर की जा रही है पुष्पा मूवी से, जिसके चलते दोस्तों यह फिल्म अपने दूसरे दिन 28 करोड़ रुपए का कारोबार करते हुए नजर आ रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर यह फिल्म अपने दूसरे दिन 28 करोड़ रुपए कमा लेती है तो इसी के साथ में दोस्तों इस फिल्म का 2 दिनों का टोटल कलेक्शन हो जाएगा लगभग 61 करोड़ रुपए और दोस्तों यह फिल्म हो जाएगी सुपर डुपर हिट। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें सनी देओल सर के बेटे करण देओल की बेहतरीन फिल्म वेले की, तो दोस्तों आपको बता दें वेले मूवी को हमारे बॉक्स ऑफिस पर लगे हुए को हो चुके हैं पूरे 10 दिन और दोस्तों 10 दिनों में यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जबकि फिल्म के स्टार कास्ट में करण देओल, अभय देओल और मौनी रॉय जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि वेले फिल्म एक कॉमेडियन फिल्म है जो कि कब क्राइम ड्रामा कॉमेडी फिल्म बन जाती है पता ही नहीं चलता और दोस्तों फिल्म को अभी तक 10 करोड़ रुपए का ही कारोबार मिला है, जिससे कहना गलत नहीं होगा कि दोस्तों फिल्म एक काफी बड़ी डिजास्टर साबित रही। वैसे दोस्तों अगर आप इन चारों फिल्मों को देख के आ चुके हैं तो आपको इन चारों में से कौन सी फिल्म अच्छी लगी, फिल्म पुष्पा, फिल्म स्पाइडरमैन, फिल्म तड़प या फिल्म दोस्तों वेले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।